अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग यम यम फूड स्पॉट। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार से पेशावरी चपली कबाब। तो आएँ चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, सबसे पहले हमें एक मसाला तैयार करना होगा। बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, बकराईद के दिनों में झटपट तैयार हो जाएंगे ये भी जल्दी से, क्योंकि आपको पता है टाइम नहीं होता इतना। ये मसाला बना के रख लें और बस जब आपको चपली कबाब बनाना हो ये मसाला उसमें थोड़ा सा ऐड करें गोश्त के हिसाब से और आपके चपली कबाब रेडी हो जाएंगे। तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून अनारदाना, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन लाजमी इसमें डलेगी क्योंकि बीफ़ को हज़म करने में ये बहुत मददगार साबित होती है। फिर उसके बाद 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 टीस्पून नमक लिया है मैंने, आप हसबे जायका भी ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। और सबसे अहम इसके अंदर जो जाएगा वो है प्लेन फ्लोर। अक्सर लोग इसमें मकई का आटा या जौ का आटा ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर बिल्कुल प्लेन फ्लोर जिससे हम रोटी बनाते हैं सादा वो आटा यूज़ करूँगी 1 कप। तो आपसे कुछ मसाले जो हैं वो रोस्ट करके और मोटा मोटा कूटना है, उनमें से अनारदाना, साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन, इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम और उसके बाद जो है मोटा मोटा कूट लेंगे। व्यूअर्स देखें, हमने सारे मसाले जो है वो कुछ रोस्ट करके पीस लिए थे मोटे मोटे और बाकी सब मैंने एक बाउल में मिक्स कर लिया है इनको अच्छी तरह से। अब यहाँ हमें ऐड करना है अदरक लहसुन पेस्ट, लेकिन मैं अदरक लहसुन पेस्ट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि गोश्त जो हमारा फ्रेश है उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस मॉइस्चर को ख़त्म करना है। तो हम उसके लिए अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है लहसुन पाउडर 1 टीस्पून और ये है अदरक पाउडर 1 टीस्पून। ये दोनों मैं ऐड कर दूँगी और फिर इसको भी इसी तरह मिक्स कर दूँगी। अब आप चाहें तो ये मसाला क्वान्टिटी ज़्यादा बढ़ा कर पीस के रख लें। जब आपको चपली कबाब बनाना हो आप इसमें से 2-3 चम्मच डालें गोश्त के हिसाब से और पीस के और फटाफट चपली कबाब बनाओ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ हमने लिया है पपीते के 2 छोटे टुकड़े, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है हमने, 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और 1 गड्डी हरा धनिया की। तो सबसे पहले हम चॉपर में ये सामान डाल के और चॉप कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने जो है पपीता, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर में। इसको हमने जो अपने मसाले हैं उसमें ऐड कर देना है। साथ ही यहाँ पे हमने जो टमाटर चॉप किए थे सीडलेस वो इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें मैं एक अंडा लूँगी, पहले मैं इसे चेक कर लूँगी कि कहीं अंडा ख़राब तो नहीं है। अलग से पहले प्याली में एक अंडा निकालेंगे हम और फिर इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद व्यूअर्स, हमने ये 1 किलो मिंस लिया है बीफ का, जिसमें 10% चर्बी है। ये देखें आपको चर्बी नज़र आ रही होगी, फैट जो होता है। तो इससे हमारे पेशावरी कबाब जो है चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसको भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से व्यूअर्स। यकीनन आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई, यम यम फूड वालों ने क्या ज़बरदस्त यमी से चपली कबाब बनाए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको बकराईद पे। बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से इसको करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल इसके अंदर मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमने सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इस तरह से सारे कीमे का जो है वो कबाब बना के और टमाटो इसके ऊपर स्लाइस करके लगा दिया है। अब जो है हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर लेंगे और तकरीबन 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश रहेंगे। जब भी आपको फ्राई करना हो, कोई गेस्ट आए, फौरन आप इसे निकालें और 10 से 15 मिनट के लिए बाहर रखें। जब ये डीप रोस्ट हो जाए तो हल्की आंच पे शैलो फ्राई कर लें। ये देखें हमने एक टमाटर लिया है लाल और उसके पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं कबाब के ऊपर लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने पहले स्लाइस करके इनको रख लिया है। अब मैं एक इस तरह से लूँगी प्लेट और उसके अंदर जो है मैं
थोड़ा सा कीमा लेके और इस तरह सेट करूँगी इसको। तो ये बहुत ही इजी तरीका है कि आप इस तरह से चपली कबाब बहुत ही आसानी से हर शेप दे सकते हैं। तो ये देखें, बड़ा बेहतरीन सा पिशावरी चपली कबाब स्पाइसी रेडी है। ये देखें, अब एक टमाटो लेंगे हम स्लाइस और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे। टमाटर वाला हिस्सा है ये, हमें व्यूअर्स जो है नीचे रखना है और जो है इस तरह से हमें इसे फ्राई करने के लिए हल्की आंच पे शैलो फ्राई करना है। व्यूअर्स इसको बहुत एहतियात से इस तरह से दो पलटे लेके इस तरह से इसको पलटना है। ये देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी जो है ना पेशावरी चपली कबाब हमारे कितने मज़ेदार से बन गए हैं। तो हमें दो पलटों की मदद से इसको बनाना है ताकि ये टूट ना पाए। ये देखें, इस तरह से एहतियात से इसको टर्न करना है। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे ये कबाब पेशावरी, यकीनन आपको पसंद आएंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पेशावरी चपली कबाब कैसे लगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी दिखाइएगा ये रेसिपीज़, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और मेरी हर नई आने वाली वीडियोस से वो इंजॉय कर सकें। तैयार है मज़ेदार से पेशावरी चपली कबाब। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।